प्रज्ञा हमारे साथ ही है, हम सबके साथ। तन्नू को लाकर जो मैंने गलती की थी, प्रज्ञा को बाहर निकालकर मैं दोबारा से कोई गलती नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं उसका साथ दूंगी आपको बाहर निकालने के लिए, पर तन्नू को सबक जरूर सिखाऊंगी क्योंकि उसने हम सबको बहुत परेशान किया है। आई एम सॉरी। Hey, come on now. Dad. Relax. I miss you. Please don't be bad. अच्छा क्या तुम मुझे मिलने आ गई? तुम्हें देख करना अच्छा लग रहा है मुझे। I love you. I love you too, Dad. That should be the world's best, Dad. But आप ना world की सबसे worst जगह पे हैं। I know, but I'll be out soon. I know that too. Promise. Promise you that. Hey, stop crying now. Yeah. चलो चलने रोते हैं ना, उन्हें भी अंदर डाल देते हैं। I would gladly come inside. अरे कहाँ गई? स्टफ भी तो यही थी, उसके पीछे तो था। मैं गई गई कहाँ? एक सेकेंड, कहीं इसको शक तो नहीं हो गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे शक हो जाएगा उसे। आई एम श्योर यहीं कहीं होगी। हे कम ऑन नाउ, क्या रही हो तुम? मुझे रुलाओगी क्या? डैड डैड, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जल्दी घर आ जाइए। दर्जे हाँ मैं आ जाऊंगा, टोटल ना बाहर आ जाऊंगा मैं। बैब प्राची, तुम दोनों मुझसे मिलने आई हो, पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा तुम आ गई। नॉट फेयर डैड। क्यों? मैं जब आपसे मिलने आई थी आपने मुझे तो ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट आपने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। What? Yeah. मुझे लगा था तुम बड़ी हो गई हो, बड़ी हो गई हो तो समझदार हो गई होंगी, लेकिन बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। Listen now, you tell me, when will you grow up? Never. पापा, मुझे पता है कैसा लग रहा होगा आपको, कितना मुश्किल होता होगा यहाँ ऐसे रहना अपनी फैमिली से दूर, पर हमारे लिए भी कुछ आसान नहीं है, अच्छा नहीं लगता। पर आपको पता है ये आप ऐसे जब स्माइल करते हैं ना, आपकी ये स्माइल देख के हमारा हौसला बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकले, और देखना जब सबकी सोच एक जैसी होती है ना तो वो सच हो जाता है। आप बहुत जल्द घर लौट आएंगे। मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीजें सुन रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमें पता है। हमें पता है डैड कि आपने कुछ नहीं किया, और हमारा ये जो भरोसा है ना आप पे, देखना वही भरोसा हमारी जीत की नींव रखेगा। आप ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते, आप ये सोचिए कि हम आपके अपने, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचते। इस फाइट में ना आपका पूरा परिवार आपके साथ है, एंड वी विल विन दिस फाइट, एंड डोंट यू वरी। उस तनु आंटी को ना मैंने अच्छा खासा सुना दिया। तुम तनु से मिली? हाँ। तुम उसे क्यों मिली? She's not a good woman. आप सही कह रहे हैं, अच्छी नहीं है वो, सॉरी, पर जो अच्छे नहीं होते ना उनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए। रिया ने बिल्कुल सही कहा, उसे सुना दिया रिया ने। तुम भी वही थी? हाँ डैड। डैड मुझसे पहले तो प्राची वहाँ पहुँच गई, वो भी तनु आंटी को सुनाने के लिए वहाँ गई थी। डैड शी पुश प्राची, बट आई सेव्ड हर। जो भी हुआ डैड, तनु आंटी को ना वार्निंग दे दी कि वो कंप्लेन अपनी वापस ले ले, वरना अब तो हम आए हैं, माँ आ गई ना तो पता नहीं क्या हाल कर देंगी। पता है पहले मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ अपनी फैमिली से दूर, लेकिन सच बताओ तो अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। अरे मेरे यहाँ आने की वजह से मेरी फैमिली एक हो गई। तुम दोनों मेरी बेटी हो, लेकिन कभी तुम दोनों को बहनों की तरह नहीं देखा, लेकिन आज देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था कि बोथ आर स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर, फॉर ईच अदर। चलिए टाइम खत्म हो गया है।
बस एक मिनट और प्लीज। पता है दादी कहती है कि बुरे वक्त में ना अपने जो होते हैं वो काम आते हैं, वो साथ आते हैं, जो दूर होते हैं वो पास आते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना ठीक है। चलते हैं पापा, आप ख्याल रखना। हाँ I'm fine. इसकी आदत हो गई मुझे। आप जल्दी बाहर आ जाएंगे ठीक है। Love you. Love you. ठीक है। अनु से मिली? हाँ। तुम उसे क्यों मिली? She is not a good woman. आप सही कह रहे हैं, अच्छी नहीं है वो, सॉरी, पर जो अच्छे नहीं होते ना उनके साथ ऐसी बात करनी चाहिए। रिया ने बिल्कुल सही कहा मुझसे। डैड मुझसे पहले तो प्राची वहां पहुंच गई उन्हें सुनाने के लिए। डैड शी पुश प्राची, बट आई सेव्ड हर। मैडम देखकर चलिए। सॉरी सॉरी। अच्छा लगा जिस तरह तुमने पापा के सामने बात की, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा हमें एक साथ देख के। अंदर जो कुछ भी हो ना उसे भूल जाओ प्राची। मैंने अंदर जो कुछ भी बोला मैंने इसलिए बोला ताकि डैड को ज्यादा स्ट्रेस ना हो। आई एम नॉट अ गुड सिस्टर ओके। एंड हाँ, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक नहीं ड्रॉप करूंगी, सो जस्ट इट्स ओके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकती हूँ। इतनी जल्दी तुमने ये बात भी समझ ली कि हम इस दुनिया में साथ में आए तो थे लेकिन साथ में कहीं भी इस दुनिया में जा नहीं सकते। गुड फॉर यू। इतनी बदतमीज है ये, समझती क्या है अपने आप को? पता नहीं मुझे क्या समझती है। बदतमीज, नहीं मानना है बहन तो ना माने। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। जैसी भी है मेरी बहन है पर बदतमीज भी है, ओवर स्मार्ट बनेगी तो सुनेगी। आप मुझे वो फाइल भेज दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। Excuse me, sir. Sir. मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैंने फोन किया था आपके ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए लेकिन वो लोग कह रहे थे कि आप, आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही आ गया। आप मिस्टर सिंघानिया है ना, एडवोकेट? आप बैठिए, पानी पीजिए। नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन। मेरा नाम प्रज्ञा है, प्रज्ञा मेहरा। और प्रज्ञा मेहरा, मैं जानता हूँ आपको। कल न्यूज में मैंने आपको देखा था जब आपके पति को अरेस्ट किया जा रहा था, हर्षद रिपोर्ट कर रहा था। चलिए ठीक है, आपको आपको सब कुछ पता है, फिर मैं बस आपको डिटेल दे देती हूँ इस केस की। मैं सब लेकर आई हूँ सर फाइल में। किस लिए? अरे मैं आई हूँ ना अपने पति के केस के लिए, मिस्टर अभिषेक मेहरा के केस के लिए। आप ये डिटेल देख लीजिए और फिर आप ये केस लड़िए प्लीज हमारे लिए। देखिए प्रज्ञा जी, आप यहाँ आई हैं, आपने मेरे रिकॉर्ड चेक किए होंगे और आपको पता है कि मैं कैसा लॉयर हूँ। हाँ हाँ, आई नो यू आर एन एक्सपेंसिव लॉयर और हम एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए आपका एडवांस क्या है, मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगी। आप प्लीज बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज। देखिए आप समझी नहीं, आपको लगता है कि मैं एक्सपेंसिव लॉयर हूँ। देखिए मैं एक अच्छा लॉयर हूँ इसलिए एक्सपेंसिव हूँ, और मेरा नाम इसलिए है कि मैंने सब केस जीते हैं और मैं जो भी केस लेता हूँ वो सच्चे केस लेता हूँ जिसमें सच्चाई हो और जिसको सुनकर मुझे ऐसा लगे कि मुझे लड़ना चाहिए। एंड प्रज्ञा जी, आई एम फाइटिंग दिस केस। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। प्रज्ञा जी आप गलत समझ रही हैं, ये केस मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आपके अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, अगेंस्ट अभिषेक प्रेम मेहरा, तन्नु मेहता के लिए। और मुझे उसमें सच्चाई लगी, शी इज अ रेप विक्टिम और उसे जस्टिस मिलना ही चाहिए। और रेपिस्ट के लिए ना मेरे पास इज्जत है और ना ही हमदर्दी। बिना किसी वर्डिक्ट के मेरे हस्बैंड को रेपिस्ट कैसे कह सकते हैं? सॉरी, रेपिस्ट नहीं, पर वो रेप के एक्यूज्ड है। और देखिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं कोर्ट में बहस करता हूँ। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप अच्छा सा लॉयर हायर कीजिए मेरे अगेंस्ट जो मुझे हरा सके। बेस्ट में बेस्ट लॉयर हायर कीजिए आप। इन अनदर वर्ड, सच को हराना आसान नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने कभी कोई केस नहीं हारा, लेकिन मैं जो भी केस लड़ता हूँ उसे अपनी फैमिली की तरह लड़ता हूँ कि वो मेरा फैमिली का केस है। और हारने का तो कोई चांस ही नहीं प्रज्ञा जी। आई प्रॉमिस ये केस मैं आपको जीत के दिखाऊंगा।
आप बिना मेरे हस्बैंड की साइड सुने ऐसे वादे कर कैसे सकते? My husband is innocent. Innocent, ईमानदार. हर पत्नी को ऐसा लगता है कि उसका पति इनोसेंट है जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता. कल कोर्ट में मैं उसे गिल्टी प्रूव करूंगा, तब जाके आपको पता लगेगा. आप कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे सर, because like I said, my husband is innocent. मैं मानती हूँ आज तक आप कोई केस नहीं हारे, लेकिन ये वाला केस आप हारेंगे, क्योंकि सच परेशान होता है सर, हारता नहीं. मैं ट्रस्ट करता हूँ तन्नू पे. वो झूठ बोल रही है आपसे. मेरी बात चल रही है? सिर्फ अभिषेक मेहरा ने, उसकी पूरी फैमिली ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है. कह रहे मैंने रेप की कंप्लेन क्यों की. क्या दिख रही है? ऐसी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा और हमारे लिए ठीक नहीं है. देखिए राजीव, आंखें बंद करने से ना प्रॉब्लम कहीं नहीं जाती, प्रॉब्लम वहीं रहती है और हमें भी वहीं रहना होता है. और ऐसे टीवी बंद करने से, चैनल चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इसे फेस करके कुछ होगा. सच में पहली बार ये लड़की सही कह रही है. क्या सही कह रही है और क्या फेस करना है? झूठ है ये सब, फेक न्यूज नहीं देखनी चाहिए हमें. क्या होगा इसे देखने से? बेटा टीवी हमने बंद किया है, लोगों ने नहीं, लोग तो सारा दिन ये झूठी खबर देखते रहेंगे और तेरे पापा के बारे में राय बनाते रहेंगे. अब प्राची, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में ना पब्लिक की राय बहुत मायने रखती है. कोई मायने नहीं रखती पब्लिक की राय, हमें पता है ना पापा ने कुछ नहीं किया, पब्लिक को कुछ नहीं पता है, झूठ है ये सब. लेकिन कुछ नहीं शाना, ये लोग नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, पापा की हेल्प करनी है. ये बात ही नहीं समझ रही है प्राची, पब्लिक के कहने पर ना सरकार बदल जाती है और फिर यही पब्लिक के कहने पर सरकार CBI केस बिठा देती है. सही कह रही है तू. प्राची बेटा, हम सब जानते हैं तेरे पापा पैसे वाले हैं, उनका नाम है, समाज में मान मर्तबा है और ये सब कमाया है इसी पब्लिक की वजह से. इसीलिए पब्लिक की राय हमें बहुत मायने रखती है. और तू समझ, अगर तनु ऐसे इंटरव्यू देती रहेगी और तेरे पापा के बारे में झूठ झूठ बोलती रहेगी ना, तो समाज तेरे पापा को गुनहगार साबित करके रहेगा. और मान ले तनु ने सच बता भी दिया ना, तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तेरे पापा ने पैसे देके तनु का मुंह बंद करवा दिया, और ये तो गलत बात है. इसीलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके हमें तनु से सच बुलवाना पड़ेगा, और वो भी जल्द से जल्द, समझी? पर सरिता आंटी, वो तनु इंटरव्यू में सच बोलेगी ही नहीं. सच बोलेगी क्यों? अगर नहीं बोलेगी ना, तो उगलवाना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि वो जो भी बोल रही है वो झूठ है, नाटक है. अगर वो बोलेगी तो ही तेरे पापा को इंसाफ मिलेगा, समझी? अगर उसका कन्फेशन नहीं मिल सकता, पर कहीं से प्रूफ मिल जाए कि तनु तेरे पापा को फंसा रही है, तो ये मिले या वो मिले, जो भी मिले, हम बातें ही करते रहेंगे ना, तो बातें बातें ही रह जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सरिता आंटी, एक काम कर सकते हैं, अगर हम तनु को घर पे ले आए, उसको मार मार के ना सारा सच बाहर निकलवा ले. प्राची, ये कहाँ चली गई? कुछ बोला तो नहीं? वैसे तुम्हें यहाँ देखकर ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें अच्छे लॉयर की तलाश तो बहुत है, लेकिन कोई मिल नहीं पा रहा. डोंट माइंड प्रज्ञा, लेकिन मेरी जितनी नज़र अभी पे होती है ना, उतनी ही नज़र मेरी तुम पर भी होती है. इसलिए तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मैंने मिस्टर सिंगानिया को हायर कर लिया. कोई अच्छा लॉयर हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए ना, वही जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. अब क्या है कि भगवान तो इसकी हेल्प करने से रहे, शायद सरकारी कर दे कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर देकर. वैसे प्रज्ञा, तुम कुछ भी ट्राई कर लो, लेकिन तुम्हारा केस कोई लेगा नहीं. तनु जी, आप प्लीज बाहर बैठिए, प्रज्ञा जी से अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई. 2 मिनट्स प्लीज. हाँ तो कहाँ थी मैं? आई डोंट हैव टाइम फॉर प्रज्ञा. ये तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये जानकर कि अभी ने एक रात मेरे साथ गुजारी? रात गुजारी? गॉड डैम इट, तुम्हें आइडिया है तुम क्या बोल रही हो? वही बोल रही हूँ जो मुझसे पूछा गया. बताइए तनु जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस हादसे के बाद? वही पूछ रही हूँ, कैसा लग रहा है तुम्हें ये जानकर कि अभी ने मेरा रेप किया? गुस्सा आ रहा है या रोना? इट्स ओके, दोनों इमोशंस मेरे सामने तुम एक्सप्रेस कर सकती हो. प्लीज आप लोग ऐसी बातें यहाँ कीजिए. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गंदगी कहाँ है, तुम्हारे दिल में या तुम्हारे दिमाग में. रात गुजारना, रेप हो जाना, किसी के बच्चे को किसी और का नाम दे देना, तुम्हें कुछ और आता भी है नहीं. पता है तनु, गंदगी मिट्टी में मिलकर ना मिट्टी बन जाती है. तुम्हें कोई अमृत चखा देना फिर भी नहीं सुधरोगी तुम. भाषण तो तुम अच्छा देती हो, टीचर जो हो, लेकिन मेरी टीचर नहीं हो, इसलिए मुझे भाषण मत दो और फैक्ट्स को एक्सेप्ट करो. अभी मुझे चाहता था, अगर तुम बीच में नहीं होती तो आज भी मुझे माफ करता. ना कभी तुम्हें चाहते थे ना कभी चाहेंगे. अगर ऐसा था तो एक रात क्यों स्पेंड की मेरे साथ? 2 मिनट नहीं बिताना चाहते वो तुम्हारे साथ, एक रात तो दूर की बात है.
और ये मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं सर से लेकर पांव तक तुमसे वाकिफ हूँ। सो प्लीज स्टॉप ऑल दिस राइट नाउ। अभी तो और जानना बाकी है, देखो आगे मैं क्या करती हूँ। जो करना है यही करके दिखाओ ना। कोई कुछ नहीं करेगा। मोनिका कम फास्ट टू माय केबिन, वो दोनों लेडीज फाइट कर रही है। तुम अपने झूठ के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी और तुम अभी का साथ ज्यादा दूर तक नहीं दे पाओगी। तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानने वाली, मैं ये लड़ाई यहाँ नहीं छोड़ने वाली। मोनिका क्या कर रही हो तुम? अरे सुनो, क्यों बंद किया दरवाजा मेरा? दरवाजा खोलिए। सिक्योरिटी, मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। यू आर राइट प्रज्ञा, अभी ने मेरा रेप नहीं किया। क्या हुआ? अब तक तो तुम बोल रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूं, अब जब सच बताया तो। एक मिनट, कहीं तुमने मान तो नहीं लिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने सच में मेरा रेप किया? मुझे पहले से ही पता था कोई रेप नहीं हुआ है। तो फिर इतने शॉक रिएक्शन क्यों? मैं ये सोच रही हूँ कि जो लड़की पूरी दुनिया से झूठ बोल रही है वो मेरे सामने सच कैसे बोल रही है। राइट पॉइंट, क्योंकि तुम्हारे सामने सच बोलने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। जब मैंने अभी पे ब्लेम किया तो तुमने कहा ही इज इनोसेंट और किसी ने नहीं माना। अब जब मैं कह रही हूँ ही इज इनोसेंट, उसने कुछ नहीं किया, तब भी कोई नहीं मानेगा क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ हमारी बात सुनने के लिए। मैंने सच बताया तुम्हें तड़पाने के लिए, एंड यू सी अब से तुम्हारी पूरी कोशिश रहेगी मेरे मुंह से सच निकलवाने की। पर सच जानने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, बस यही बेबसी देखने के लिए तुम्हें सच बताया। क्या सोच रही हो? ओह, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि बाहर जाके सबको सच बता दोगी कि तनु ने कन्फेस कर दिया? जाओ बताओ जाके, कोई मानेगा? देखो दरवाजा नहीं खुल रहा, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। इस साउंड प्रूफ दरवाजे की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक काम करो, ये दरवाजा खोलो। अरे कहाँ गायब हो गए सब लोग? मोनिका कहाँ है? सर मोनिका दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी। शट अप। यू नो आई जस्ट लव योर एक्सप्रेशंस। और मजा तो अब और आएगा जब तुम्हारे हस्बैंड का केस लड़ने के लिए तुम्हें कोई लॉयर नहीं मिलेगा। लॉयर तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई जरूर होगा जो पैसों के लिए नहीं सच के लिए लड़ेगा। कोई स्टूपिडी होगा जो ऐसे ओपन और शट केस को अपने हाथ में लेगा और अपना करियर डुबोएगा। ये केस तो मैं जीत चुकी हूँ प्रज्ञा, बस सेलिब्रेट करना बाकी है। नहीं तनु, तुम्हारे इस झूठ की उम्र बहुत कम है। तुम्हारे जीतने से पहले वो दम तोड़ देगी और तुम हार जाओगी, और उसके बाद सेलिब्रेट करूंगी मैं अपनी फैमिली के साथ। सपने देख रही हो तुम? सपने देखना बंद करो प्रज्ञा, क्योंकि रियलिटी ये है कि जब अभी जेल में जाएगा ना तो तुम्हारी कोई फैमिली नहीं बचेगी, क्योंकि घर में तुम्हें कोई आने नहीं देगा और बाहर तुम्हें लोग जीने नहीं देंगे। जैसे तुम बाहर जाओगी ना अपनी बेटियों के साथ, लोग कहेंगे बड़ी सती सावित्री बनती थी प्रज्ञा, बड़ा घमंड था उसे अपने पति पर कि कितना प्यार करने वाला है, कितना पैसे वाला है, नेम है, फेम है, सब कुछ है। पर फिर भी लोग कहेंगे कि इससे अच्छा तो हमारा पति है, कम से कम रेपिस्ट तो नहीं है। मैं दुनिया के सामने अभी का असली चेहरा ला के रहूंगी और वही दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी और वही दुनिया मेरे साथ खड़ी रहेगी प्रज्ञा। तुम्हें जिसे अपने साथ खड़ा करना है कर लो, लेकिन कोर्ट सिर्फ सच का साथ देगी। मुझे हमारी जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, कोर्ट में मेरी बात सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी, तब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। क्योंकि तुम्हारे पास इस रेप के लिए इन झूठे आंसुओं के सिवाय कोई सबूत नहीं है। एक सबूत है मेरे पास। तुम्हारा सबूत भी तुम्हारी तरह झूठा ही होगा। झूठा या सच्चा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। अरे ये कोर्ट नहीं है, मेरा ऑफिस है। इन्होंने कोर्ट की लड़ाई मेरे ऑफिस में ही शुरू कर दी है। मैंने तुम्हें कहा था कि दो क्लाइंट ऑफिस में आए तो तुम कैबिन में ही रहा करो, लेकिन नहीं। अरे कितना टाइम लगेगा? बस हो गए सर। जो प्रूफ मैं कोर्ट में दिखाने वाली हूँ उसे कोर्ट तो क्या, भगवान भी नकार नहीं सकता। ना तुम्हारे कुमकुम की ताकत, ना तुम्हारे मंगलसूत्र की ताकत, ना तुम्हारे साथ वचनों की ताकत, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया की नजरों में अभी रेपिस्ट बनेगा और तुम रेपिस्ट की बीवी। आई नो तरीका थोड़ा सा हार्श है, लेकिन क्या करूं, अपने प्यार को पाने के लिए तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अब भी नहीं समझी ना प्रज्ञा। कोई बात नहीं, कोर्ट में समझ जाओगी। क्या करने वाली हो तुम कोर्ट में? तुम्हें बर्बाद।